हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं एक्वा विलेज वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट। ये एक वाटर पार्क है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश्ड है, रिसेंटली ओपन हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी काफ़ी नया है। गर्मियों के सीज़न में अगर आप भी वेकेशन मनाना चाहते हैं तो आप इस जगह पर डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लें चार्जेस के, इसके चार्जेस है दोस्तों मंडे टू फ्राइडे एडल्ट के लिए 500, बच्चों के लिए 400। यहाँ पे कोई भी बच्चा, जो कि अगर आप छोटा सा बच्चे के साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं तो 2.5 फीट से हाइट जिसकी ज़्यादा होगी उसके लिए चार्जेबल है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एज बेस्ड होना चाहिए आई गेस। अगर दोस्तों डिस्टेंस की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ से कितना डिस्टेंस आपको मिलता है, मैं पर्सनली भिलाई से हूँ, भिलाई से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है, बाकी जगह का डिस्टेंस आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। काफ़ी बेहतरीन है ये अगर आप गर्मियों के सीज़न में वेकेशन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वेकेशन मनाना चाहते हैं, एक अपना वीकेंड को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप इस जगह पे डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ख़राब मुझे लगी, मतलब ख़राब है जिन मैं नेगेटिव रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, बट मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जो चीज़ अच्छी लगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए। और अगर आप इस जगह पर विजिट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली विजिट कीजिए, वीकेंड सेलिब्रेट कीजिए अपने फैमिली के साथ, काफ़ी बेहतरीन जगह है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। सैटरडे टू संडे 600 का टिकट लगता है, मंडे टू फ्राइडे 500 का टिकट लगता है फॉर एडल्ट्स। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, इसके साथ वाटर पार्क के अलावा एडवेंचर पार्क भी है यहाँ पे, वहाँ पे भी आप काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एडवेंचर पार्क के चार्जेस अलग आपको पे करना पड़ेगा। खैर, सबसे पहले आप बात करें तो यहाँ पे आपको पे पूल मिल जाएगा, रेन डांस अवेलेबल है, और भी काफ़ी सारी वाटर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट नेगेटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो एट ए टाइम रनिंग कंडीशन में नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल अगर रेन डांस चल रहा है तो एट दैट मोमेंट वेव पूल जो है वो बंद रहेगा और बाकी एक्टिविटीज़ भी बंद रहेंगी। अगर वेव पूल चल रहा है तो इसके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज़ होंगी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बंद रहेंगी। कुछ कुछ चीज़ें दोस्तों नेगेटिव हैं, जैसे कि यहाँ पे वाटर बॉटल ले जाना अवेलेबल नहीं है, आपको वहाँ के जो कैंटीन है वहीं से परचेस करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। खाने पीने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी क्योंकि कैंटीन में अच्छी क्वालिटी का खाना अवेलेबल नहीं होता है। मॉर्निंग 10:30 आई थिंक इसका ओपनिंग टाइम है और इवनिंग 6 o'clock तक आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, एडवेंचर पार्क और वाटर पार्क दोनों में ही। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मैं शूट कर रहा हूँ ड्रोन से, आप एक ओवरऑल आउटलुक देख सकते हैं किस तरीके का दिखता है ये वाटर पार्क। एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, टिकट्स के प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जैसे कि रायपुर में भी एक वाटर पार्क है उसके और इसके टिकट प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम टिकट की प्राइसिंग है। अब क्योंकि बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, बट अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल 1.5 ईयर 2 ईयर्स के बच्चे जो कि लगभग 2.5 फीट के हाइट तक पहुँच जाते हैं, उन बच्चों का भी चार्जेस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता है। 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स के बच्चे क्या ही इंजॉय कर पाएंगे, बट उनका भी आपको चार्ज पे करना पड़ता है वाटर पार्क के लिए। इसके अलावा बाकी चीज़ें अच्छी है, वाटर बॉटल ले जाना अलाउड नहीं है, ये एक तरह से अच्छा भी है और नेगेटिव भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स लेके अंदर जाने वाले हैं, हो सकता है कि वाटर बॉटल्स को आप इधर उधर फेंक दें, जो कि ऑब्वियसली बात है कचरा वहाँ पे करने वाला है, तो कचरा ना करें, सुरक्षित मतलब कि इसको जितना ज़्यादा साफ सुथरा रख सकते हैं उतना रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर आप स्टील के बॉटल्स में ले जाते हैं जिसको कि आप थ्रो आउट नहीं करने वाले हैं, तो उन चीज़ों को अलाउ यहाँ पे करना चाहिए, बट मैनेजमेंट जो है वो उन चीज़ों को अलाउ नहीं करती है। खाने पीने की चीज़ें आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे जो कैंटीन है उसी में आपको जाके खाना पड़ेगा। बात करें दोस्तों पार्किंग की, तो पार्किंग की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन पार्किंग जो है वो ओपन एरिया में होता है, जो कि गर्मी के दिन में आपके घर ही काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाने वाली है। यहाँ पर रेन डांस भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, रेन डांस भी आप इंजॉय कर सकते हैं, वेव पूल को आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार में कोई एक ही एक्टिविटी यहाँ पे रनिंग कंडीशन में रहती है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप देख रहे हैं रेन डांस, तो वहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि आप रेन डांस में जाएंगे, तो उस समय पे बाकी चीज़ें जैसे कि वेव पूल हो गया और बाकी जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चीज़ें बंद रहती हैं, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। ज़रूरी नहीं है कि एट द मोमेंट मुझे रेन डांस में ही जाने का इंटरेस्ट हो सकता है, मैं वाटर पूल वेव पूल में जाना चाहूँ,
पर तो वो चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है रिजॉर्ट भी है ये, तो आपको रूम भी मिल जाता है पर्सनल रूम अगर आप लेना चाहते हैं। 6 रूम्स अवेलेबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कब आप वहाँ पे जाते हैं। अगर रूम की अवेलेबिलिटी रहेगी तो वो भी रूम आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। कैंटीन की बात करें दोस्तों, कैंटीन इनका डिसेंट है, साफ़ सुथरा है, बट खाने की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ अवेलेबल नहीं है। मोस्टली स्नैक्स ही आपको वहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि इडली, वड़ा, सांभर, समोसा, मैगी वगैरह देखने को मिलता है। उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है और नियर बाई में यही एक जगह है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। रिजॉर्ट की बात करें दोस्तों, 3,500 रुपये रिजॉर्ट का चार्ज है, जो कि 24 आवर्स जस्ट लाइक अ होटल। आपको चेक इन और चेकआउट का जो टाइम है 24 आवर्स का रहने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाटर पार्क में जो भी पर्सन जाता है वो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे 24 आवर्स रहने के लिए तो नहीं जाएगा। अब आप 4-5 घंटे के लिए रिजॉर्ट लेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है आपको 3,500 रुपये महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि रिजॉर्ट इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं है जिस हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। ये आप देख रहे हैं वेव पूल जो कि काफ़ी बेहतरीन है, अच्छी का अच्छा म्यूजिक भी यहाँ पर बजता है, पानी की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा रहता है। बट आप वहाँ पर जाके गंदगी जितना कम फैलाएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे डस्टबिन की सुविधा भी आप अवेलेबल रहती है, तो जो भी कचरा आप अगर करने में इंटरेस्टेड भी हैं तो कोशिश कीजिए कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो आप डस्टबिन में ही डालें। 3,500 रुपये रिजॉर्ट के लिए मुझे लगता है ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि एक 10x10 का आपको रूम मिलता है, सिंगल रूम मिलता है और कुछ भी नहीं है। अटैच्ड बाथरूम मिलता है जो कि डिसेंट रहता है, क्लीन रहता है। इसके अलावा आपको चेंजिंग रूम्स मिल जाता है, लॉकर्स मिल जाता है, वो सारी चीज़ें जो है दोस्तों चार्जेबल बेस पे आपको मिलती हैं। चेंजिंग रूम्स भी आई गेस चार्जेबल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने रिजॉर्ट लिया था इसलिए मैं आपको रिजॉर्ट के चार्जेस बता पा रहा हूँ। लॉकर जो है वो दोस्तों चार्जेबल बेस पे मिलता है, आप सेलफोन्स ले जा सकते हैं, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, फोन अलाउड नहीं है, ये सारी चीज़ जो है दोस्तों चार्जेबल बेस पे आप वहाँ जाके यूज़ कर सकते हैं। बट सेलफोन्स अलाउड हैं, सेलफोन से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, फोटोग्राफ लेना चाहते हैं वहाँ पे। अब क्योंकि आप वाटर पार्क में जा रहे हैं तो आपके आपका जो सेलफोन है वो वाटरप्रूफ है या नहीं आई डोंट नो, बट सेलफोन्स के लिए आपको चार्जेबल बेस से 100 रुपीज़ आई गेस चार्ज लगता है। तो आपको एक सेलफोन का कवर मिल जाएगा जिसको यूज़ कर सकते हैं जब भी आप पानी के अंदर रहेंगे। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा रिव्यू, अब आप आपके सामने देख रहे हैं ये है दोस्तों रिजॉर्ट। रिजॉर्ट में सिर्फ 6 रूम्स ही अवेलेबल हैं और वैसे भी चार्जेस इतने ज़्यादा हैं इसके कि ऑलमोस्ट रूम खाली मिल ही जाता है आपको। अदरवाइज आपको इनकी वेबसाइट पे जो नंबर दिया है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। कपड़े वगैरह जो है दोस्तों जो नॉर्मल जो वाटर पार्क में जो हर जगह पर, अगर आप इससे पहले भी कहीं वाटर पार्क में विजिट कर चुके हैं तो आप जानते होंगे कि बरमूडा और जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह होते हैं वो सब अगर आप पहन के जाते हैं तो आप ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे भी चार्जेबल बेस पे कपड़े मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर आप काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कपड़े ले जाना भूल जाते हैं तो वहाँ जाके आप इन सारी चीज़ों के साथ आराम से इन्जॉय कर सकते हैं और अपना वीकेंड बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, बट पर्सनली मुझे नहीं लगता है। वैसे मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं करता हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसके अलावा मैं अभी तक किसी और वाटर पार्क में विजिट नहीं किया हूँ, बट ये भी एरिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके साथ एडवेंचर की भी ऑप्शन में आपको मिल जाता है, अगर आप एडवेंचर में इंटरेस्ट रखते हैं तो उन चीज़ों को भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं यहाँ जाके। होटल के मतलब रिजॉर्ट के जो रूम से दोस्तों उसका चेक इन और चेकआउट टाइम जो है दोस्तों दोपहर के 12 बजे का है, तो अगर आप 10:30 बजे चले जाते हैं तो हो सकता है कि आपको रूम ना मिले। और जैसा कि मैंने आपको बताया 3,500 रुपये लगते हैं दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा है 3,500 रुपये। पर्सनली मेरे हिसाब से इनको चार्जेबल बेस पे रूम यहाँ पे अवेलेबल करवाना चाहिए, चार्जेबल बेस पे एज इन की आवरली बेस्ड रूम यहाँ पे अवेलेबल करवाना चाहिए, तो ज़्यादा कस्टमर जो है वो रूम अवेल कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, स्टे करने में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। पर्सनली मैंने यहाँ पे स्टे नहीं किया था क्योंकि शाम तक हम यहाँ से बाहर निकल गए थे। पार्किंग जैसे कि मैंने आपको बताया पार्किंग के कोई चार्ज नहीं लगता है, पार्किंग फ्री है, बट क्योंकि ओपन स्पेस पार्किंग है तो धूप में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने वाली हैं। लंच अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, कैंटीन में लंच जो है लिमिटेड टाइम पे मिलता है। अगर आप आफ्टरनून 3 या 3:30, 4 o'clock के बाद अगर आप लंच करने जाएंगे तो आपको कैंटीन में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो लंच की व्यवस्था या तो खुद कर लीजिए या फिर कैंटीन में टाइम से जाके खा लीजिए दोस्तों। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो राजनांदगांव एक्वा पार्क से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
कोरोना से बचिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और वीकेंड एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। और हाईवे से काफ़ी ज़्यादा सटा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा आपको इंटीरियर में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आराम से आप इस जगह पर पहुँच सकते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।